दोस्तों ये जो आप कंप्यूटर देख पा रहे होंगे, इसका पूरा बॉडी जो है यहाँ पे हम खोले हुए हैं। इसका एक ही रीज़न है कि ये जो सिस्टम है वो ऑन तो हो पा रहा है, बट एक ब्लू एरर आने के बाद में ये अचानक से बंद हो जा रहा है। आप देख सकते हो डिस्प्ले पे ये अभी ऑन हो रहा है, ऑन होने के थोड़ी देर के बाद में एक ब्लू कलर का एरर आ रहा है और फिर ये अचानक से बंद हो जा रहा है। और दोस्तों ये इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। और ये सारा जो चीज़ें हैं वो लाइव बताएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाए, इस वाले प्रॉब्लम को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऑन हो रहा है, ऑन होने के थोड़ा देर के बाद में यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीका से एरर आ जा रहा है। और ये एरर आने के बाद में दूसरा कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद में अचानक से रीस्टार्ट हो जा रहा है मेरा सिस्टम, फिर बार बार इसी स्टेप पर आके फिर दोबारा से रीस्टार्ट होते चला जा रहा है सिस्टम। हालाँकि इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर लिए हैं, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे सिस्टम में। सो इसका एक ही रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न हमको अभी सामने दिख रहा है कि मेरे जो यहाँ का जो इन्वर्टर जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, वो थोड़ा सा भी बैकअप नहीं दे रहा है। और जैसे ही लाइट कट रहा है वो अचानक से सिस्टम को भी बंद कर दे रहा है, मतलब कि अचानक से सिस्टम जो बंद हो जा रहा है। इसके वजह से इसका जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो क्रैश कर गया हुआ है। और चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है विंडो को वापस से इंस्टॉल करें। और मेरे पास बूटेबल पेन ड्राइव ना होने की वजह से मैंने एक दुकानदार के पास गए जो कि बूटेबल पेन ड्राइव रखते हैं, और उन्होंने देखिए इस तरीके से मेरा जो सिस्टम को यहाँ पे वापस से फॉर्मेट करके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर विंडो 10 प्रो। और मैं फिर वापस इसको लेकर आया और फिर अपने सिस्टम में वापस से सारा चीज़ असेंबल किया, आसानी से चलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये बड़ी आसानी से काम करना शुरू कर दिया। अगर आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो बस एक ही सलूशन है इसका कि आप जो है यहाँ पे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल करो, आपका प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो जाएगा। YouTube पे काफ़ी सारा इस पे वीडियो बना हुआ है, बस वो आप लोगों को घुमाते रहेंगे, ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़े। इसका एक ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि बस आपको क्या करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और फिर रन करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अगर इस प्रॉब्लम से आपको बचना है तो ध्यान रखना कि चाहे वो लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, आपको जो है बड़े ही प्यार से ऑन करना है। और बंद करते समय आराम से, जब तक वो अच्छा से बंद नहीं होता है तब तक ना आपको चार्जर निकालना है ना डिस्प्ले को डाउन करना है, ठीक है। अगर आप अचानक से बार बार सिस्टम को बंद करते हैं तो इस समय में क्या होता है कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्रैश हो जाता है और ये वाला एरर 100% आपको आ जाएंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो इस वीडियो के अंदर समझाना चाह रहा था वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले। और मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा, सो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।